वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और हम लोग शुरू कर चुके हैं अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस की जर्नी और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने जो पिछला रूल समझा, अभी जो आपने रूल सीखा था मेरे साथ, वो था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। आपको पता है कि हमारे पर्सन कितनी कैटेगरी के हैं। पर्सन हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिजनेस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स या पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ये सब ये चीज़ें। जो नहीं बचा वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो नहीं हुआ कवर बाकियों में। अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमने पिछली बार पढ़ा, जो दो पहलवानों की कहानी सीखी हमने पहलवानों के बारे में, वो था इंडिविजुअल्स का। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन सब के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कंडीशन क्या होगी, याद रखना। इनकी कंडीशन सिंपल है, एक टू बिकम रेजिडेंट, टू बी रेजिडेंट। मैं शॉर्टकट में लिखूं ताकि आपके पॉइंट्स बन जाएं, आप बुक्स के बाद में इसको पूरा पढ़ना। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज ओनली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब जो ये कामकाज करते हैं, इज होली और पार्टली, मतलब 60%, 40%, 20% भी काम इंडिया में करते हैं, इज सिचुएटेड इन इंडिया। ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अभी रेलेवेंट का मतलब होता है, रेलेवेंट मतलब जिसके लिए आप असेसमेंट ईयर से पीछे जा रहे हो। हो सकता है वो असेसमेंट ईयर सेम हो, जैसे एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर पढ़ा था हमने, या उससे पिछले वाले हो। तो जिस साल भी आप कंप्यूट कर रहे हो, उस साल में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स शुड बी होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर वो है तो वो बन गया रेजिडेंट। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स डी फैक्टो एंड नॉट मेयरली राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज। मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल शुड बी डी फैक्टो। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैं ही संभालता हूँ, नहीं, आप संभाल रहे हो, आप इंडिया में रहते हो, सिचुएटेड हो। ये नहीं कि आप जर्मनी में बैठे हो, जर्मनी से इंडिया का कंट्रोल फ़ोन पे कर रहे हो, हाँ जी चल रहा है सही, हाँ जी चल रहा है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तो आप रेजिडेंट नहीं माने जाओगे, आप ही बन जाओगे रहना रहे। नॉन रेजिडेंट HUF, नॉन रेजिडेंट फर्म, नॉन रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। प्लेस का मतलब वेयर हेड एंड हिज सीट एंड डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड, या तो मेरी कुर्सी हो, मैं हूं और मेरी डायरेक्टिंग पावर उस कंट्री में सिचुएटेड हो, उसको बोलते हैं प्लेस। ऑपरेशन एंड कंट्रोल मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस मतलब उदयपुर से दिल्ली, दिल्ली वाला मुंबई में, मुंबई वाला राजस्थान में, राजस्थान वाला महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाला मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाला उत्तर प्रदेश में, ऐसे चल सकता है आपस में, कहीं से भी कंट्रोल चल सकता है, लेकिन इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट हो सकते हैं। HUF दो हो सकते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर नॉट ऑर्डिनरली NOR। लेकिन फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन दे कैन बी ओनली रेजिडेंट, वो नॉट नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकते, या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, बस उनका ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरी नहीं निकाला जाएगा। HUF के लिए HUF कैन बी NRI और रेजिडेंट। NRI नहीं बोलना चाहिए बिकॉज HUF है रेजिडेंट, इसकी भी दो कैटेगरी हो सकती हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये बड़ा आसान काम है, स्केल तो आपका कंट्रोल है मैनेजमेंट आके हमने पढ़ लिया कि अगर रेजिडेंट बनना है तो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है या नॉट ऑर्डिनरली बनना है तो उसके लिए कर्ता शुड फुलफिल एडिशनल, कितनी थी वो, टू एडिशनल कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल, याद है वो 2/10
एंड 7:30 by 7। क्योंकि कर्ता मतलब क्या होता है, हिंदू अंडिवाइड फैमिली में एक मालिक होता है, मतलब एक कर्ता होता है जो एक तरह से हेड होता है फैमिली का, उसको इंडिविजुअल की दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है। तो अगर HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में था तो बन गया रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरली बनने के लिए, नॉट ऑर्डिनरली बनने के लिए, उसके कर्ता को दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तो वो बनेगा ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। प्लीज नोट हेयर, फर्म एसोसिएशन पर्सन कैन नॉट बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो रेजिडेंट है बाय डिफॉल्ट वही ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसमें क्लासिफिकेशन नॉट ऑर्डिनरी का नहीं आएगा। ओनली इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर दे विल बिकम नॉन रेजिडेंट। कमिंग टू द थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड कंपनीज। क्या कंपनी हमारी रेजिडेंट होगी नॉन रेजिडेंट होगी? ये बड़ा आसान है, मतलब इसको जल्दी जल्दी हम कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, सारी कहानियाँ इंडिविजुअल और HUF पे आती है हमारे लिए, ठीक है। बात करते सर कंपनी, क्योंकि पर्सन में तो कंपनी भी है, तो कंपनी का रेजिडेंसी स्टेटस कैसे निकालोगे? कंपनी भी दो ही हो सकती है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो कंपनीज के लिए क्या रूल है? कोई कंपनी है तो इफ एनी वन, इफ इट इज इंडियन कंपनी, देखो कंपनी के लिए नंबर वन, अगर वो इंडियन कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गई? रेजिडेंट। और नंबर टू, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, द प्लेस ऑफ इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। अब वॉट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट? द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आर नेसेसरी दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल आर टेकन। मतलब कंपनी के सारे महत्वपूर्ण डिसीजन, ऑल की डिसीजंस जहां पे लिए जाते हो, वो प्लेस कहां पे होगा? वो प्लेस होगा इंडिया में। तो यहां पे वो काउंटिंग नहीं करनी कितने दिन कितना कुछ, फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी HUF इन सब के लिए देखना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है, वो बुक में क्वेश्चन में लिखा आता है बकायदा। HUF के केस में कर्ता की कंडीशन चेक करनी है, वो इंडिविजुअल की दो एडिशनल कंडीशन। यहां तक क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, यहां पे सिंपल है फंडा, कंपनीज कैन बी इधर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और उनके अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है। वहां पे कंट्रोल मैनेजमेंट मत लिख के आना, इफेक्टिव मैनेजमेंट लिख के आना, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और अगर इसके अलावा कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो उनके ऊपर वही रूल एप्लीकेबल होगा जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और फर्म पे एप्लीकेबल होता है। तो इसका छोटा सा एक चार्ट बना देता हूँ जो आपकी बुक्स में गिवन है, खैर वो आपको याद रखना है हमेशा आपको, कि हमारी जो कंपनी का स्टेटस होता है किसी भी का भी, या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा या वो रेजिडेंट होगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, इसको उल्टा बनाते हैं। चलो इंडिविजुअल HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फर्म कंपनी अदर्स, दे कैन बी नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, लेकिन ये लोग क्या हो सकते हैं? सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, बस ये याद रखना आपको। इससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे कौन रेजिडेंट हो सकता है कौन रेजिडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप जो ये क्लासेस खत्म हुई है उसमें हमने क्या सीखा है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP फर्म एंड कंपनीज। यहाँ तक कोई डाउट ना हो इसके लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन छोटे मोटे इलस्ट्रेशन जो बुक्स में गिवन है उसको प्रैक्टिस करो। मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं कराऊंगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के प्लस इंसिडेंस ऑफ टैक्स उस पर लगाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़
यहाँ तक पढ़ाई कर लो, दोस्तों को जल्दी चैनल शेयर कर दो, लोगों को बोलो मेंबरशिप ले लो, जिन जिनको इनकम टैक्स पढ़ना हो, बीकॉम बीबीए एलएलबी ये सब चीज़ मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कहीं पर चले आप भूल जाओ कि सर आपकी हेल्प कैसे करनी है बता दो। और अगर आपको लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा समझ आ रहा है और आप ज़्यादा अच्छे से हेल्प करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हो चैनल को, ठीक है। सुपर थैंक्स का नीचे बटन होता है, यू कैन गिव सुपर थैंक्स गिफ्ट ऑल्सो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।